सूक्ष्म ज्ञान की धरती गया एक बार फिर से गुलजार होने लगी है। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, विष्णुपद और दुगेश्वरी में पर्यटकों की भीड़ फिर से जुटने लगी है। बढ़ती भीड़ और पर्यटकों के आगमन से बोध गया में रौनक लौटने लगी है और इसे लेकर मंदिर प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। आज से पूरे 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक खुलना आज से शुरू हुआ, इसीलिए हम मगर हम लोग एक है कि क्योंकि जुम्मा तो जो जहाँ जितना हुआ ना विशेष सुनो सोशल डिस्टेंस हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, इस तरह का हम लोग ध्यान और हम लोग थोड़ा जुम्मा काम बढ़ गया। फिर भी हम लोग कोशिश करके अभी है क्योंकि देख रहा है कि कोई अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहा है वो मंदिर, इसीलिए साथ ही दूसरा मंदिर लोग भी सुनो नहीं आप लोग भी हमको आह्वान करके आपका ये 19 तारीख दिन हम लोग को BTMC का मीटिंग हुआ था, ये तो क्वार्टरली हम लोग होता है, इसी में भी निर्णय किया अब नहीं नहीं हम लोग खुलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गया में अब सब कुछ ठीक हो गया हो, भले ही लॉकडाउन के बाद पर्यटकों ने एक बार फिर से गया का रुख किया है, लेकिन लंबे अरसे से चली आ रही कुछ समस्याएं आज भी जस की तस है। हम लोग यदि कंपेयर करें आज से, क्योंकि ये टेम्पल जो है 21 सितंबर से खुली है और 21 सितंबर के बाद में थोड़ा बहुत टूरिस्ट आना शुरू हुआ है। आज जो हम लोग जितने पर्यटक देख रहे हैं, क्योंकि आज संडे है, संडे के लेके इसमें करीब करीब 50% से ज़्यादा लोग जो है लोकल लोग हैं, बाकी और जो भी पर्यटक हैं जो आना जाना शुरू किए हैं, क्योंकि डोमेस्टिक का भी प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। कुछ एयरलाइंस वाले जो हैं वो ऑपरेट किए हैं अभी 25, जहाँ तक हमें पता है 25 दिसंबर से मुंबई से एक जेट एयरवेज का एक फ्लाइट शुरू होने वाला है, तो कुछ न कुछ अभी जो पर्यटक की जो संख्या है पहले की अपेक्षा बढ़ी है। यहाँ पे सीता माता दशरथ जी को बालू का पिंडदान दिए थे, जब राम जी लक्ष्मण जी सीता माता गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे तो उनके पास पिंडदान का कोई सामग्री नहीं था, तो सीता जी को यहाँ बैठा करके राम लक्ष्मण सामग्री लाने चले गए पिंडदान का। उसी बीच दशरथ जी हाथ निकाल के आकाशवाणी किए कि पिंडदान दीजिए, तो सीता जी के पास कुछ नहीं था, तो सीता जी गाय पंडा तुलसी फल्गु नदी और वट वृक्ष 5 को साक्षी मानकर यहाँ बालू का पिंडदान किए थे। उसी समय सीता माता जब पिंडदान किए थे तो राम लक्ष्मण आए और सीता जी बोले कि हम पिंडदान कर दिए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद सीता जी साक्षी से पूछे तो 4 लोगों ने झूठा बोल दिया, सीता जी ने उनको श्राप दे दिया, नदी को श्राप दिया कि वर्षा काल में जल रहेगा नहीं तो सूखा रहेगा, पंडे को श्राप दिए लाख मिलेगा संतोष नहीं रहेगा, तुलसी को श्राप दिए गंदे स्थान पर जन्म पाएगा, गौ को श्राप दिए मुख से कूड़ा कचरा खाएगा, मुख अपवित्र रहेगा, पूछ का पूजा होगा, एक वट वृक्ष सत बोले थे उनको सीता माता 6 वरदान दिए थे जो अक्षय वट है। यहाँ पे बहुत तीर्थयात्री लोग, लॉकडाउन के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यहाँ तीर्थयात्रियों का आवागमन कम गया है, न के बराबर हो गया है, जिसके कारण हम लोग का यही वृत्ति है, खाने पीने के समस्या हो गई है। अब देखिए धीरे धीरे सुधार अगर होता है तो यहाँ का हम लोगों को भी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सीताकुंड पर विकास तो काफ़ी हुआ है, लाइट बत्ती धर्मशाला घाट ये सब सुंदरीकरण तो हुआ है, लेकिन तीर्थयात्रियों का आवागमन अभी महामारी की वजह से कम है। अनेकों पूजा इस महाबोधि मंदिर में गूंजती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाज़ से गूंजती थी। ये पूरा मंदिर रंग बिरंग लाइट से सजती थी, फूलों से सजती थी, वो इस बार फीका दिख रहा है, कहीं नहीं तो सजावट है, नहीं बुद्धम शरणम गच्छामि के वो संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। थोड़ी बहुत आज संडे के वजह से यात्रियों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन आज भी कोरोना का असर पड़ रही है और उस कोरोना का असर में जो अंतर्राष्ट्रीय संदेश बोध या से ज्ञान की जो जाती थी बुद्धं शरणं गच्छामि की, भगवान बुद्ध का जो विचारधारा रही है वो और उसकी जो संदेश थी आए दिन अब यहाँ से नहीं जा रही है, और कहीं न कहीं बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज महाबोधि मंदिर की चार दीवारी में भी
गूंजना बंद हो गई है, क्योंकि जिला प्रशासन या बिहार सरकार ऑनलाइन पूजा का, यह देश विदेश में जो ऑनलाइन के एक बढ़ावा हुआ है, वो ऑनलाइन का भी व्यवस्था महाबोधि मंदिर में BTMC की तरफ से शायद नहीं किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की काफ़ी डिमांड बढ़ी है कि सुबह और शाम में महाबोधि मंदिर से ऑनलाइन के लिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए। जो अलग अलग देश के पर्यटक है वो इंतज़ार करते हैं कि ऑनलाइन भगवान बुद्ध का दर्शन हो जाए, तो बड़ी बात है, इसी में उनकी श्रद्धा और शांति भी मिलती है। मैं गया बोध गया से, नेशन न्यूज़ के लिए राजेश कुमार।